जैसे भोजन करते तो भोजन करते करते लाला पर दृष्टि रहती है, तब तक तो लाला ध्यान से देखता है और ध्यान से देखता है कि हाँ पिताजी की दृष्टि भोजन पर गई तो ये यहाँ से भाग जाते हैं। मानो श्री राघव कह रहे हैं कि मुझे छोड़ करके अगर भोजन पर भी ध्यान गया तो मैं छोड़ करके चला जाऊंगा, इसीलिए मेरे अगर मेरी भक्ति कर रहे हो तो मेरे पे ही ध्यान होना चाहिए, भोजन पर भी ज्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए। तो महाराज दशरथ जी का ध्यान बार बार थाली की तरफ जाए तो ये भाग जाए कि करो भोजन में तो जा रहा हूँ। तो मैया कौशल्या का ध्यान नहीं भटकता है, उन्होंने भक्ति मांगी तुरंत हाथ पकड़ के लेकर के आते तो खाते जा रहे। अब खाते खाते आंगन में चले गए, अब आंगन में झूठन गिराते जाते सब खाते। आज इनके मन में आया खेल करना कि आज मुझे कोत की स्वभाव के श्री राम जी से आज विनोद करना है। किसके साथ? श्री काकभुसुंड जी के साथ में। काकभुसुंड जी इंतजार कर रहे कि कुछ गिराए तो मैं खाऊं, पर आज इन्होंने ठान लिया कि मैं कुछ गिराऊंगा नहीं। तो छोटे है ठुमुक ठुमुक करके आते हैं मालपुआ काकभुसुंड जी की तरफ दिखाते हैं खा करके, और जैसे श्री काकभुसुंड जी लेने के लिए आते हैं ये दौड़ करके भाग जाते हैं और ठेंगा दिखा देते दूर से और किकारे मार करके हंसने लग जाते हैं। बेचारे श्री काकभुसुंड जी फिर भागते हैं, ये जहाँ खड़े रहते हैं वहां पे, तो फिर जाते हैं। फिर मालपुआ जब काकभुसुंड जी थक के बैठ जाते हैं तो फिर पास में आकर के मालपुआ दिखाते हैं कि आओ पकड़ो खाओ, और जैसे ही पास में आते हैं कि फिर भाग जाते हैं और दूर से ठेंगा दिखाते हैं। अब ऐसे करते करते काकभुसुंड जी को थका दिया है। अब जब साधारण बच्चा दौड़ता है तो बड़े लोग थक जाते हैं, तो ये तो साक्षात तो ब्रह्म दौड़ रहा है, कौन पीछा करे। काकभुसुंड जी ने कहा कि अच्छा ठहरो, मैं भी आज मेरी जिद है कि मैं आपके हाथ से छुड़वा के ही मानूंगा। अब श्री राम जी का ध्यान थोड़ा इधर उधर भटका और उसी दौरान श्री काकभुसुंड जी झपटे और मालपुआ जो रोटी थी हाथ में उसको छीन करके दूर अटारी पर बैठ गए। अब श्री काकभुसुंड जी चिल्ला रहे हैं कि अब छुड़ा के बताओ। तो श्री राम जी ने देखा, घूरते हुए देखा और देख करके जोर से रोना शुरू किया है। तो मैया घबरा गई, दौड़ करके आई, भैया लाला काओ भवा क्या हुआ, काहे रो रहे हो? तो लाला ने उंगली से दिखाया, बोले देखो वो कौवा है ना, मेरी वाली रोटी लेकर के चला गया है। तो मैया ने कहा बेटा क्या घर में एक ही रोटी है क्या, बहुत सारा भोजन है, चलो दूसरा दे देंगे। तो काकभुसुंड जी ने श्री राम जी ने रोते रोते कहा, मचल करके रोने लगे, जमीन पर पैर पटक रहे हैं, बोले मुझे वही वाली रोटी चाहिए जो लेकर के गया है, ये काहे मेरी रोटी लेकर के गया है, मुझे वही वाली रोटी चाहिए, ये काहे मेरी रोटी लेकर के गया, मुझे वही वाली रोटी चाहिए। अब ऐसी ऐसा रट्टा लगाया कि वही वाली रोटी चाहिए, वही वाली रोटी चाहिए। तो श्री काकभुसुंड जी ने सोचा कि हे भगवान, ये असली में भगवान है भी कि केवल मैं राजा दशरथ जी के सुंदर लड़के के चक्कर में फंस गया और रोज इसका झूठा खा रहा हूँ। ये तो ऐसे रो रहा है जैसे कोई छोटा साधारण संसार का बच्चा जिद करता है कि वही वाला चाहिए, वही वाला चाहिए। अभी भगवान होकर के ऐसा रो रहा है कि वही वाला चाहिए, वही वाली चाहिए, और रोटी के टुकड़े के लिए। तो मुझे लग रहा है पक्के में गड़बड़ झाला है। तो श्री राम जी ने देखा कि अच्छा तो आखिरकार में बीमारी लग ही गई। तो श्री राम जी का ठीक है, इलाज भी हमको ही करना पड़ेगा। काकभुसुंड जी का चेक करना पड़ेगा भैया, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगी राजा दशरथ जी के लड़के का झूठा खाते खाते। अब चेक तो करेंगे भगवान है कि नहीं है, भगवान होता तो क्या ऐसे होता। तो यही सोच करके श्री काकभुसुंड जी ने मन में कहा कि अगर आप वास्तव में ही भगवान होंगे तो हमारे हाथ से रोटी छुड़वा करके बता। और इन्होंने उड़ान भरी आकाश में। तो श्री राम जी का ठीक है, श्री राम जी वहीं पर बैठे है, वहीं पर खड़े हैं और अपना हाथ श्री राम जी ने पीछे पीछे बढ़ाया है। आगे आगे श्री काकभुसुंड जी, पीछे पीछे श्री राम जी का हाथ चल रहा है। मुड़ करके देखा तो राम जी वहीं खड़े हैं, लेकिन उनका हाथ इसके पीछे पीछे जा रहा है और इतना तेज गति से जा रहा है, जितना ये दौड़ रहे उतना पीछे पीछे हाथ जा रहा है। और दूरी कितनी रखी, मात्र दो उंगली की दूरी है काकभुसुंड जी और श्री राम जी के हाथ के बीच में। और ये क्यों रखी, क्योंकि श्री राम जी कह रहे कि आपके दिमाग में थोड़ा कचरा भर गया है, तो इधर उधर गोल गोल राउंड घुमा करके ये कचरा मुझे फिल्टर करना, मैंने बाहर करना है, तो आपको शेर भी करवा दूंगा और आपका दिमाग भी सही हो जाएगा। तो हाथ पीछे पीछे जाए जा रहा और ये आगे आगे बढ़े जा रहे, बढ़े जा रहे। तीनों लोक में श्री काकभुसुंड जी का भ्रमण करवा दिया है। अब जो उड़ने की जो क्षमता थी वो खत्म हो गई, पसीना भर से चेहरा भर गया, थक गए और घबरा करके दौड़ करके आए और अयोध्या में आकर के श्री राम जी के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु मुझे क्षमा करिए, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बोले कि गलती अब सुधर गई है? बोले हाँ। सारी बीमारी चली गई दिमाग से? बोले हाँ। सब चली गई? बोले हाँ। अब दोबारा तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगा?
तो बोले कभी नहीं होगा, ऐसी गलती नहीं करोगे, बोले कभी नहीं होगी प्रभु। तो श्री राम जी ने मस्तक पर हाथ रखते हुए काक भुसुंड जी से कहा कि मेरा मन पड़ेगा तो मैं रोऊं, मेरा मन पड़े तो मैं गाऊं, लेकिन आप भक्त लोग उस लीला को सुन सुन करके आनंद मनाओ, अपने जीवन का कल्याण करो, उसमें ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। ये खोपड़ी का नाम क्या है? खो और पड़ी, ये हमेशा खोती रहती है इसलिए पड़ी रहती है, और इसलिए इसका नाम खोपड़ी रखा है। तो बोले हमेशा खोती रहती है, तो राम जी का दोबारा तो संदेह नहीं होगा? बोले हाँ बिल्कुल नहीं होगा। अब श्री राम जी तुरंत मैया की गोदी में आकर के बैठ गए, अनंत प्रकार की बाल लीला करते करते श्री प्रभु अब और बड़े हो रहे हैं। तो बड़े होने के बाद में श्री राम जी की बचपन से आदत है, अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए, 5 वर्ष के हुए हैं, रोज मैया के पास में आते हैं, लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे श्री प्रभु ने लीला शुरू की है। आज सरकार का मन हुआ श्री राघव का कि आज माँ सरयू के किनारे ऐसा करे कि नृत्य लीला करेंगे, नाचने की लीला करेंगे। तो राम जी के साथ में हजारों की संख्या में अयोध्या के जितने भी बालक थे वो सुबह होते श्री राम जी के साथ में आ जाते हैं घर पर, और रात्रि में सोते हैं तब माता पिता उठा करके लेकर के जाते हैं। सारे लाला लोग मैया कौशल्या के पास में ही रहते हैं, जितने भी बाल सख सब। तो हजारों की संख्या में सरयू माँ के किनारे अब क्रीड़ा होना है। तो श्री राम जी 5 वर्ष के लाला है, गोल घेरा बना करके कह रहे हैं कि देखो मैं नृत्य सबको सिखाऊंगा और तुम सभी लोगों को साथ साथ में नाचना है। बोला हाँ ठीक है। अब लाला जब यहाँ पृथ्वी पर नृत्य कर रहा है, सारे लोगों को सिखा रहे ऐसे करो वैसे करो, तो कैलाश धाम में बैठे बाबा जी ने सोचा कि हम कहो यहाँ बैठे बैठे मक्खी मारे, हम भी चलते हैं, हम भी देखते हैं, जरा हम भी सिखा के भी आ जाएंगे और नाच करके भी आ जाएंगे। तो भोले बाबा चलने लगे, पार्वती माँ ने कहा अच्छा अकेले अकेले जा रहे हो? तो भोले बाबा ने कहा देखो सीक्रेट काम में अकेले जाना पड़ता है। तो बोले याद रखना आज नृत्य कर रहे हैं, तो अगर आप मुझे आज ही ले गए ना तो अगले अवतार में ये फिर बड़ा वाला नृत्य करेंगे, तो उसमें फिर आपको गर्व मुझसे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? महाराज में गए तो थे साड़ी पहन करके। तो बोले उस टाइम में नहीं लेकर के जाऊंगा। तो बोले बाबा का अच्छा अच्छा चलो ठीक है, पर सुनो इस रोल में नहीं चलना है। तब बोले मुझे किरात बनना पड़ेगा, तो ठीक है मैं किरातिन बन जाती हूँ। और दोनों पति पत्नी पहुंचते हैं यहाँ पर। तो इधर श्री राघव जो है वो लीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अब श्री राम जी तो पहचान जाते हैं कि भोले बाबा है। तो भोले बाबा ने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी लीला देखने आया हूँ, पोल पट्टी मत खोलना, ठीक है? अब श्री भोले बाबा ने कहा देखो आप खड़े रहो, लाला मैं सिखाता हूँ। राघव ने कहा बाबा आप सिखाइए। तो महादेव जी ताल दे रहे हैं, ऐसे करो वैसे करो, हाथ करो, यहाँ नृत्य चल रहा है। उधर रावण चिंता में तो डूबा ही था कि मेरा काल है, अभी छोड़ भर का है, मार दे तो काम खत्म हो जाएगा। तो रावण ने एक राक्षस के साथ में इसकी मित्रता थी। रावण जिस समय दिग्विजय करने के लिए निकला था तो सबसे इसकी मित्रता थी, सारे लोगों से, और जहां जहां से ये जीतता था वहां के लोगों को तो अपने अधीन कर लेता था, और जिनसे हारता था उनसे मित्रता कर लेता था। तो ये जो निशाचर था ये श्रापित था, इसके रोम रोम में सर्प का निवास था, शरीर में जितने भी रोम है इसके रोम नहीं थे, सर्प थे। तो ये निशाचर इतना भयंकर था कि रावण के साथ जब युद्ध शुरू हुआ तो ना ये हारे ना रावण हारे। तो रावण ने कहा चलो दोस्ती कर ले, समय आने पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरा साथ देना। बोले ठीक है। अब ये जो निशाचर है इसको रावण ने कहा कि भैया मेरा काल अयोध्या में आ गया है और अंशों सहित है, इसलिए तुम जाओ और उसको अंशों सहित मार करके आ जाओ, क्या मिलेगा मुझे? बोले मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा और दहेज में लंका दे दूंगा। तो ये प्रश्न हो गए, बोले इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा इनाम दोगे? तो बोले ये इतनी सी बात खाली दिखने में इतनी सी बात है? तो बोले अभी यूं जाते और यूं आते तुम तो शादी की तैयारी करो, बैंड बाजे सब कर लेना। रावण ने कहा कि कह के तो सब यही जाते हैं कि यूं जाते यूं आते हैं, पर यूं जाते जरूर है, यूं आता कोई भी नहीं है। बोले तुम तैयारी करो। रावण ने कहा कर लेंगे, बोले तुम जाओ तो सही। अभी निशाचर जब आया तो श्री राघव नाच रहे हैं और भोले बाबा सिखा रहे हैं। तो इसने दूर से देखा कि ये तो साक्षात कैलाश धाम निवासी भगवान शिव जी है, और अगर इनके सामने इस पर मैंने आक्रमण किया तो अभी तीसरा नेत्र खोले तो हमारा यही कल्याण हो जाएगा, इसलिए इनके सामने नहीं जाना है, ये चले जाओ उसके बाद में जाएंगे। तो वो जो राक्षस था वो एक विशाल पेड़ बन करके अयोध्या में सरयू माँ के किनारे खड़ा हो। तो
श्री राम जी नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते श्री राम जी लक्ष्मण लाल जी भरत लाल जी शत्रुघ्न जी तीनों भाइयों से कहा कि देखो ये पेड़ इतना विशाल तो अभी तक नहीं था, अचानक कैसे आ गया यहाँ पर, और इतना बड़ा पेड़ एकदम से तो हो नहीं सकता, तो पहले से कोई आया होगा। लक्ष्मण लाल जी का नहीं भैया ये कुछ गड़बड़ है, हम तो यहाँ देख रहे कोई पेड़ था ही नहीं, अचानक आया है। श्री राम जी ने कहा कि हाँ तो मेरे लंका से आए होंगे मेहमान, तो चलो खेली खेल में इन पर लीला करते हैं। अब श्री राम जी नृत्य किया और एक चरण के प्रहार से इस पेड़ को जब मारा तो वो पेड़ जो है गिर गया। अब सारे बाल गोपाल तो थे यहाँ पर, किसको पता कि क्या हो रहा है। अब वो पेड़ धम से नीचे गिरा। श्री राम जी ने बोले बाबा से कहा कि बाबा ऐसा है आपने नृत्य सिखा दिया, अब थोड़ा मैं मेरे हिसाब से नृत्य कर लूं। भोले बाबा ने कहा आप देखिए मैं अभी दिखाता हूँ और आप चेक करना कि मैं सही नाच रहा हूँ कि गलत नाच रहा हूँ। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है। अब श्री राम जी नृत्य करते करते पेड़ पर चढ़ गए और पूरे पेड़ पर नृत्य कर रहे हैं, इसके एक एक डालियों पर नृत्य कर रहे हैं, और डालियों पर जैसे जैसे नृत्य कर रहे हैं तो इस पेड़ की, अभी तो राक्षस था और जो डालियां थी इसके सब सर्प थे, लाल चरण का प्रहार करे जा रहे प्रभु, तो सारी डालियां बिखर बिखर करके नीचे गिर जा रही है, बेचारा पूरा लहू लुहान हो गया है। पर अब सामने कैसा है, क्योंकि सामने भोले बाबा है, अब ये पूरा खून से लथपथ हो गया। श्री राम जी नृत्य किया और नीचे कूद गए। बोले बाबा बिल्कुल ठीक किया है ना नृत्य। बोले बाबा भी समझ गए, बोले हाँ महाराज बहुत बढ़िया किया है, अब आप लोग घर जाओ, शाम का समय हो गया है। तो चारों भाइयों बाल सखाओं के साथ में घर आए और इधर भोले बाबा ने इसको कहा कि क्यों जी कहाँ से आए थे, तो इस पर हाथ घुमाए ठीक हुआ और कहा कि बाबा जी मैं तो, मुझे रावण ने भेजा था इनको मारने के लिए, पर इन्होंने तो मेरी धुलाई कर दी है। तो बोले इनको क्या तुम मेरा गेरा समझ रहे थे, साक्षात भगवान है। तो उसने कहा प्रभु मैं श्रापित था, प्रभु के चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया है, अब मुझे आप मुक्ति दीजिए। तो भगवान शिव जी ने इसको मुक्ति प्रदान की। अब इसके रोम रोम में जो सर्प थे वो प्रभु के चरण प्रहार से बिखर गए थे, उन सर्प वो सारे दर्द मारी करहा रहे थे क्योंकि प्रभु ने इन पर चरण प्रहार करके नृत्य किया। तो श्री प्रभु भगवान शिव जी ने, मैया पार्वती जी साथ में थी, दया आ गई माँ को और माँ ने सारे सर्पों पर अपना हाथ घुमाया तो वो सारे सर्प स्वस्थ हो गए। जब वो जाने लगे भगवान शिव जी के चरण में प्रणाम किया तो भोले बाबा की नजर इन सर्पों के मस्तक पर पड़ी, इन सारे सर्पों के मस्तक पर श्री राम जी का चरण चिन्ह बना हुआ है क्योंकि प्रभु नाचे इन पर। तो श्री भोले बाबा ने कहा कि जिस चीज पर जड़ हो चेतन हो मेरे प्रभु का चरण विन्यास पड़ जाए वो चीज त्याग योग्य नहीं होती है, तो मेरे प्रभु का चरण विन्यास इन सर्पों के मस्तक पर है इसलिए त्यागने के योग्य नहीं है, ये अपनाने के योग्य है। तो भोले बाबा का कहा अपनाए, बोले एक काम करते हैं सारे सर्पों को किसी को गले में पहन लिया, किसी को हाथ में धारण कर लिया, किसी को पैर में धारण कर लिया, किसी को जटा में धारण कर लिया, श्री प्रभु ने सबको धारण कर लिया है। मैया पार्वती जी भी प्रसन्न हो जाती कि धन्य हो भोले बाबा, ये सबको स्वीकार कर लेते हैं, राक्षस जाते उनको भी, देवता जाते उनको भी, यहाँ कोई नियम नहीं है कि वो ये आएगा वो ये आएगा। इधर श्री राम जी अपने सखाओं के साथ में जाते हैं और मैया को सुंदर सुंदर बात सुनाते हैं। बाले चरित हरि बहु विधि की लेकर के आई, सुंदर श्रृंगार किया है और माँ ने पल्ले में लाला को
लेटा दिया है। उमैया कौशल्या प्रसन्न होकर के सोच रही है कि मेरा लाला ये जो है ये सो जाए तो मेरा बचा हुआ जो काम है वो मैं कर करके आती हूँ। अब बताओ कि श्री कौशल्या मैया जो है वो संपूर्ण जगत की महारानी है, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी है। तो महारानी कौशल्या जी ने ये सोचा कि मुझे काम करना है, सो जाए तो मैं काम करूं, तो क्या इनके घर में नौकरों की कमी थी? बहुत सारे दास दासियां माँ के महल में है, लेकिन फिर भी माँ सोचती कि थोड़ा सो जाए तो मैं अपना बचा हुआ काम कर लूं। तो कौन सा काम है जो माँ को खुद को करना पड़ता है? दास दासियों की कमी है क्या? परंतु माँ कौशल्या ने संसार के लोगों को शिक्षा प्रदान की क्या कि दुनिया के लोगों, आप इतने भी बड़े धन वाले हो जाओ, पद वाले हो जाओ, ज्ञानवान हो जाओ, घर के काम करने के लिए कितने भी नौकर रख लो, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कभी भी कोई नौकर नहीं रखना चाहिए। श्री प्रभु की सेवा अपने हाथ से करना चाहिए। झाड़ू वारी अपने हाथ से करो, पोछा अपने हाथ से लगाओ। कहाँ का? जहाँ श्री प्रभु का पदार्पण होता है, जहाँ उनका मंदिर रखते हो वहां की बात है। और पूजा पाठ माता लोग ज्यादा करती हो, इसलिए आप लोग अपने घर पे ले जाना इस शिक्षा को। वैसे तो झटक पटक करके यही जाते हो, लेकिन इसको ले करके जाना। कौशल्या मैया ने कहा है कि प्रभु की सेवा अपने हाथ से करना चाहिए और उनका भोग अपने हाथ से बनाना चाहिए, नौकर के हाथ से नहीं बनवाना चाहिए। ठाकुर जी की पूजा के लिए अगर नौकर रखा तो समझो कि अगले जन्म में खुद नौकर बनने की तैयारी में है। इसीलिए निश्चित रूप से भाव से प्रभु की सेवा अपने हाथ से करना चाहिए। अब मैया कौशल्या ने सोचा कि थोड़ा सो जाए तो मुझे डबल स्नान भी करना पड़ेगा, भोजन बनाऊंगा तब भोग लगाऊंगा, अभी लाला सो जाए तो मैं जाऊं। तो ये क्या कर रहे हैं कि मैया कौशल्या जिसे पल्ले में सुलाती है, पल्ला झुलाती है, तो थोड़ी आंख बंद कर लेते हैं और मैया जब चलने लगती है तो फिर आंख खोल करके तो मटुक सा मुंह करके हंसने लग जाते हैं। फिर मैया थपकी लगाती है, सुलाती है, थोड़ा आंख बंद करते मैया जाती है, फिर आंख खोल करके हंसने लग जाते हैं। आखिर में सो गाय नहीं रहा है तो मैया को ध्यान आया कि ऐसे नहीं सोएगा, इसको आदत है क्या लोरी सुनने की, और जब तक ये माँ की लोरी ना सुने तब तक ये सोता नहीं है। तो कौशल्या मैया ने कहा कि अब इसको लोरी सुनाना है। तो मैया कौशल्या लाला को लोरी सुनाती है। और नोएडा की माताओं, ये लोरी सीख जाना जब आपके भी लाला हो तो गाने वाने चला करके नहीं सुलाना चाहिए, ये लोरी गाकर के सुलाना। और लाला लाली में दिव्य संस्कार होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष ऐसे थोड़ी हो गए, उनकी माताओं ने पल्ले में ही वेद की ऋचाएं, रामायण की चौपाइयां गा गा करके, महाराणा प्रताप शिवाजी की कहानी पढ़ यही रहता है कि ये सुना सुना करके उन्हें सुलाया था, जगाया था, इसीलिए वो वीर योद्धा हुए हैं। पल ना मिल ना झूलाए कौशल्या मैया, पल ना मिल ना
पलना झुलाया और लोरी सुनाई तो श्री राम जी तुरंत सो जाते हैं। अब जैसे श्री राम जी सोते हैं तो मैया तुरंत पहुंच करके आती है, जाती है और 56 भोग बनाती है, स्नान करती है, फिर भोजन बनाती है और सुंदर भोजन बना करके माता लेकर के आती है श्री भगवान के सामने। और श्री रंगनाथ भगवान के सामने आकर के भोजन रखा है और दोनों हाथ जोड़ करके माता प्रार्थना करती है, दोनों हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, आप मेरे लाला के आँख की रक्षा करना, आप मेरे लाला के बाल की रक्षा करना, आप मेरे लाला के गाल की रक्षा करना, आप मेरे लाला के पेट की रक्षा करना, अलग अलग बताते हैं, आप मेरे लाला की इसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करना। तो श्री राम जी पल्ले में लेटे लेटे सोचते है कि यहाँ भी मैं हूँ और सामने भी मैं हूँ और हमारे नाम का झारा हमको ही दिया जा रहा है। तो उसी समय श्री राम जी ने सोचा कि जब लीला हो ही रही है तो थोड़ी लीला में और लीला जुड़ जाए। तो श्री मैया जब कह रही है कि मेरे लाला के गाल की रक्षा करना, मेरे लाला के बाल की रक्षा करना, मेरे लाला की इसकी रक्षा करना, तो जैसे ये बात बोल करके आँख खोल करके देखा तो श्री राम जी सामने बैठ करके गपा गप लड्डू उठा करके खा रहे हैं, माखन खा रहे, मिश्री खा रहे, लड्डू खा रहे, गुलाब जामुन खा रहे, आराम से बैठे। तो मैया ने कहा कि अरे बाप रे बाप, इतनी मुश्किल से इसको सुलाया था, यहाँ किसने ला करके बिठा दिया है, कब से लोरी गा गा के सुलाया, थक गई मैं और यहाँ ला करके बिठा दिया किसी ने। तो मैया भाग करके गई पालने के पास में, तो पालने में श्री राम जी सो रहे हैं। अब यहाँ करके देखा तो ये खा रहे हैं, वहां देखे तो सो रहे हैं, फिर मैया यहाँ भाग करके आए तो यहाँ खा रहे, वहां सो रहे हैं, यहाँ से वहां भागा भागी लगा दी मैया, इधर देखे तो सो रहे, उधर देखे तो खा रहे, इधर देखे तो सो रहे, उधर देखे तो खा रहे। मैया घबरा गई, बोले हे भगवान, कहीं ये तो नहीं है कि मैंने भूतों के बारे में बहुत सुना था, तो आज कहीं भूत तो नहीं आ गया, और आया सो आया, खाया सो खाया, लेकिन कोई मुझे ये तो बता दे कि मेरा लाला कौन सा, ये खा रहा ये है कि सो रहा है वो है, एक तो कोई ना कोई भूत होगा सही और एक लाला होगा, तो मेरा लाला कौन सा, भूत कौन सा है। तो मैया घबरा करके चक्कर आ गए, मैया ने दोनों हाथ जोड़ करके मैया नीचे जमीन पर बैठ गई, आंख बंद कर ली कि हे भगवान मेरा लाला कौन सा है, हे भगवान मेरा लाला कौन सा है। और यही सोचते सोचते मैया ने जैसी आंख खोली और आंख खोल करके देखा तो उसी समय श्री भगवान ने कहा कि नाटक हो रही है, थोड़ा और हो जाए। तो जैसे मैया ने आंख खोल करके देखा तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड श्री प्रभु